ट्रेड्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह एक्सेल के अंदर हम एक ऑटोमेटेड फीस रिपोर्ट बना सकते हैं, जो कि काफी हद तक एक सॉफ्टवेयर की तरह आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एमएस एक्सेल ओपन करना है। अब यहाँ पे आप हेडिंग्स दे दीजिए जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर एक सिंपल फीस रिपोर्ट बनाते हैं तो उसकी हेडिंग्स क्या क्या होती है। सपोज कर लेते हैं कंप्यूटर क्लास के लिए है, तो वहां पे होगा सीरियल नंबर, फिर उस स्टूडेंट का नेम, फिर उसने जो कोर्स लिया है वो, फिर उनकी टोटल फीस, फिर इंस्टॉलमेंट्स। अब कोई कोई क्लासेस होती है जो 5 इंस्टॉलमेंट में फीस लेती है, और कोई कोई क्लासेस होती है जो 7 इंस्टॉलमेंट में फीस लेती है। तो हम यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट रखते हैं। इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, इंस्टॉलमेंट 4, इंस्टॉलमेंट 5। ठीक है, अब पूरे 5 इंस्टॉलमेंट होने के बाद अब टोटल फीस उसने कितनी भरी है वो देखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल पेड, कितनी रकम बाकी है तो टोटल अनपेड, उसके बाद स्टेटस। इस स्टेटस में हम बताएंगे कि उस जो भी हमारा स्टूडेंट है उस स्टूडेंट की फीस पूरी भर गई है या फिर पेंडिंग है। ठीक है, ये चीजें हम स्टेटस के अंदर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट हो चुकी है, अब थोड़ी से फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी फॉर्मेटिंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो सीरियल नंबर है, टोटल पेड है, टोटल अनपेड है और स्टेटस है, ये चारों चीज जो हैं इनको ऑटोमेटिक रखना है। मतलब अगर यूजर ने नाम लिखा तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर 1 आ जाना चाहिए। अगर यूजर ने टोटल नाम, जैसे टोटल फीस दिया, ऑटोमेटिक टोटल पेड, टोटल अनपेड और स्टेटस भी आ जाना चाहिए कि उस बंदे ने पूरे पैसे भर दिए या फिर थोड़ा बाकी है पैसे। तो चलिए सबसे पहले सीरियल नंबर से शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा कि अगर स्टूडेंट नाम का सेल अगर ब्लैंक है तो सीरियल नंबर भी क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। अगर स्टूडेंट नाम का सेल अगर भरा हुआ है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू इफ अगर स्टूडेंट नेम वाला सेल अगर उसे मिलता है ब्लैंक तो हमें सीरियल नंबर भी क्या चाहिए, ब्लैंक। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे 1 लिखा हुआ होना चाहिए। सेम ऐसा हम नीचे वाले के लिए करेंगे जो 2 है। अगर स्टूडेंट नेम अगर ब्लैंक है तो मुझे सीरियल नंबर ब्लैंक चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऊपर वाले सेल की जो वैल्यू है, मतलब ऊपर वाले सीरियल नंबर की जो वैल्यू होगी उसके साथ 1 प्लस हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला 1 प्लस 1 2, उसके नीचे वाला 2 प्लस 1 3। तो इस तरह एक सीरियल नंबर मैनेज होके बन जाएगा। तो इसी तरह अब आपको सेकेंड नंबर वाले को बस इसे ड्रैग करना है। ठीक है, तो हमने 23 सेल नंबर से किसे कॉपी कर लिया है, तो सेल नंबर अपने आप चेंज होते रहेंगे तो आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बारी आती है हमारे कोर्स की। तो अब ऐसा हो सकता है कि सामने वाले को पता ना हो कि यहाँ कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, तो हम इनके लिए एक लिस्ट बना देंगे जहां से ये कोर्स को दे सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई कोर्स भी एड नहीं कर पाएंगे। तो हम एक शीट नंबर 2 पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग कोर्सेज के नाम लिख देते हैं, जैसे बेसिक, DCA, ADCA, ADWD, CCC, DTP, MS+, टैली। तो ये सारे कोर्सेस हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर इनकी जो सेल नंबर है जो D5 लिखा हुआ है यहाँ चेंज करके हम लिख देते हैं कोर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक सिलेक्ट करने पे आपको D5 सिंपली दिखेगा, लेकिन पूरा सेट अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कोर्स लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, तो वापस शीट नंबर 1 पे आ जाइए और यहाँ पर पहला वाला जो सेक्शन है हमारा कोर्स, वो सिलेक्टेड रहने दीजिए। और आपको जाना है डेटा में, डेटा वैलिडेशन के अंदर, एनी वैल्यू की जगह आपको रखना है लिस्ट। ठीक है, और सोर्स में लिखिए इक्वल टू, और वहाँ पे जो सेल का नाम था COURSC, कोर्स। इतना लिखते ही यहाँ पे
ड्रॉप डाउन का बटन आ जाएगा, आपको खाली क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन यहाँ पे अवेलेबल है। अब देख सकते हैं कि जो शीट नंबर 2 में मैंने नाम लिखा है वही सारे शीट नंबर 1 में यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे बार बार इस प्रोसेस को करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे ड्रैग कर लीजिए 23 तक, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, अब देख सकते हैं हर जगह ये वर्क कर रहा है। तो अब बारी आती है टोटल पेड की, ठीक है। तो टोटल पेड कैसा है कि सारे इंस्टॉलमेंट्स को प्लस करने के बाद टोटल पेड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक सिंपल फॉर्मूला लगता है, इक्वल टू सम, ठीक है। तो इन सबको मैंने कर लिया प्लस, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है कि जब तक यूजर का डेटा नहीं है तो ये जीरो कहाँ से लिखा हुआ आया, तो हमें ये जीरो भी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना सिंपल इफ कंडीशन का लॉजिक यूज करेंगे कि अगर सामने वाले बंदे का कोई नाम ही नहीं है तो यहाँ पे टोटल अमाउंट भी या फिर टोटल पेड भी आने वाला नहीं है। अगर उसने नाम लिखा है तो क्या होगा, यहाँ पे सम नाम का फंक्शन शुरू होगा और वो क्या करेगा, सारे इंस्टॉलमेंट को प्लस करके उसे ऐड कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फिलहाल अभी कोई जीरो लिखा हुआ नहीं आ रहा है। रीजन क्या है कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जीरो लिखा हुआ आता है और यहाँ से कोर्स भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। अब टोटल पेड हो गया, इसे भी 23 तक ट्रैक कर लीजिए, हो गया। अब आती है टोटल अनपेड की बारी। अब टोटल अनपेड जो है वो हमें कैसे पता चलता है कि सामने वाले को जो हमने टोटल फीस दी है उससे माइनस करना है पेड अमाउंट। तो मतलब इक्वल टू तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू ब्रैकेट टोटल माइनस पेड। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे हैश वैल्यू लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, टेक्स्ट फॉर्म में है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर स्टूडेंट नेम ब्लैंक है तो ये भी रहेगा ब्लैंक, वरना टोटल फीस में से पेड फीस माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये भी पूरी तरह गायब हो चुका है, सो अब इसे भी ड्रैग कर लेंगे 23 तक, ठीक है। अब स्टेटस कब आएगा कि जब यूजर पूरी फीस भर दे तो क्या होना चाहिए, पेड, मतलब कंप्लीट लिखा हुआ होना चाहिए, और अगर उसकी फीस बाकी है तो यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपली कंडीशन यूज करेंगे, इक्वल टू इफ अगर उसकी जो पेड अमाउंट है मतलब उसकी जो भरी हुई रकम है वो अगर किसके बराबर हो, टोटल फीस के बराबर है, तो वहां पे हमें क्या लिखा हुआ चाहिए, कंप्लीट। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या लिखा हुआ चाहिए, पेंडिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ आ गया। रीजन क्या है कि यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी फिलहाल जीरो है, मतलब कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है, चेक कर रहा है और दोनों का डेटा क्या निकल रहा है, कंपेयर में इक्वल टू आ रहा है, क्योंकि जीरो और जीरो इक्वल हो गए, तो यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ रहा है। अब हमें भी सेम बाकियों की तरह इसे भी कंडीशन देना पड़ेगा कि अगर स्टूडेंट का नाम ही नहीं है तो कोई डेटा दिखना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली इफ कंडीशन ही यूज करेंगे, कैसे, इक्वल टू इफ, मैं जरा सा उसमें एडिट कर देता हूँ, इफ अगर स्टूडेंट नेम ब्लैंक है तो मुझे भी ब्लैंक चाहिए, वरना ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक और ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा और ये पूरी तरह रेडी, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरी तरह ये वर्क कर रहा है। अब इसे 23 तक खींच लेते हैं, 23 हो गया, ठीक है, ये फुली अब वर्क कंडीशन में है। अब इसमें डेटा पुट आउट करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैंने लिखा अंशु और यहाँ पे आ गया कोर्स, तो कोर्स ले लेते हैं ADWD, कोर्स की फीस 10,000। अब देख सकते हैं ये चीज़ें ऑटो कैलकुलेट हो रही है, पहली बारी में पहले इंस्टॉलमेंट में 500, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 4,000। अब देख सकते हैं यहाँ बता रहा है 4,500 पेड हो चुके हैं और अनपेड अमाउंट कितना है, 5,500, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे 500 दिया गया है, फिर 2,000, फिर यहाँ पे बची हुई रकम दे दी गई, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ 10,000 टोटल पेड आ चुका है 10,000, और यहाँ पे टोटल अनपेड आ रहा है जीरो, मतलब पूरी तरह क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और स्टेटस भी क्या आ गया है, कंप्लीट, ठीक है। तो ये फुल्ली क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। अब बारी क्या आती है कि हमें क्या चाहिए, फुल्ली फॉर्मेटेड चाहिए होता है कि अगर वहाँ कंप्लीट है तो ग्रीन, अगर वहाँ इनकम्प्लीट है तो रेड, ऐसी चीजें अगर हमें करनी है
तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प ले सकते हैं। आपने जो यहाँ देखा कि यहाँ कंप्लीट लिखा तो हमें यहाँ ग्रीन चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन, इसके अंदर हम लिख देंगे सेम वही स्पेलिंग में लिखना है आपको कंप्लीट। अगर यहाँ कंप्लीट है तो ग्रीन कलर में फिल हो जाना चाहिए, वापिस से चाहिए वही फॉर्मेट पे। और यहाँ पे अगर पेंडिंग लिखा हुआ है तो हमें किस में चाहिए, रेड चाहिए, तो अब इसको बस यहाँ तक वापिस से एक बार ड्रैग कर लीजिए। सो ये पूरी तरह वर्क कर रहा है। जहां जहां वो एडिट कर सकता है उस एरिया को हम कुछ नहीं करेंगे, जहां जहां हमें एडिट की परमिशन नहीं देनी है वो एरिया को थोड़ा स्टाइलिश कर दीजिए ताकि सामने वाले बंदे को आइडिया लग जाए कि उसे वहां छेड़छाड़ी नहीं करनी है और उसको परमिशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये पूरी तरह वर्क मोड पे है, काम कर रहा है, क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, तो जिसके वजह से यूजर अपना फॉर्मूला या फिर गलती से वहां डेटा एंट्री कर देगा जहां उसे करनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसे पूरी तरह प्रोटेक्टेड कर देंगे जहां पे यूजर को कोई फॉर्मूलाज नहीं दिखेंगे और जिसके वजह से वो इजीली इसे हैंडल कर पाएगा। ठीक है, जिसे हम रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं। तो पहले रिस्ट्रिक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एकदम एज में आके राइट क्लिक करना है और जाना है फॉर्मेटिंग सेल पे। फॉर्मेट सेल्स ओपन हो जाने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, यहाँ पे आपको जाना है प्रोटेक्शन पे और लॉक्ड को भी ओपन कर देना है। ठीक है, इतना हो गया, तो पूरी तरह जो लॉक सेल थे वो भी ओपन हो चुके हैं। अब आपको पर्टिकुलर कंट्रोल के साथ वो सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है जहां जहां फॉर्मूला आपने अप्लाई किया हुआ है। तो मैंने ये सारे सेल्स हैं जहां मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, कंट्रोल दबाए रखें और राइट क्लिक पे क्लिक करके वापस से कहां जाना है, फॉर्मेट सेल्स पे, इसको आपको लॉक कर देना है और हिडन भी करना है। हिडन करने से क्या होगा कि जब भी हम इस फाइल को प्रोटेक्ट करेंगे, एडिटिंग प्रोटेक्ट कर देंगे, तो इसमें क्या होगा कि वो जो फॉर्मूलाज है वो हाइड हो जाएंगे, इसलिए आपको लॉक भी करना है और हाइड भी करना है। ठीक है, तो ये पूरी तरह क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है और हाइड मोड पे आ चुका है। अब बस आपको अपना डेटा क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो पहले कहाँ जाएंगे, रिव्यू में, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, जैसे मैंने पासवर्ड दिया 123 और वापस से एक बार री एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह फॉर्मूला क्या हो चुका है, तो आप देख सकते हैं पूरी तरह फॉर्मूला हाइड हो चुका है, अब फॉर्मूला नहीं दिखने वाला और आप इस पर एडिटिंग भी नहीं कर सकते, एरर आएगी। ठीक है, तो चलिए अब एक बार दोबारा एंट्री करके देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे की मैंने एंट्री ट्रिपल सी की और फीस दे दी मैंने 6000। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रहे, पेंडिंग लिखा हुआ भी आ रहा है और इस बार रेड में आ रहा है। सो पहले दिया इन्होंने 2500, फिर आया इनका 2000, फिर आया 1000 एंड एट लास्ट 500। ठीक है, तो इन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट से पूरा कंप्लीट कर दिया, तो फीस क्या आ गई, पूरी कंप्लीट लिखे हुए आ गई। तो इस तरह आप एक ऑटोमेटेड फीस रिपोर्ट बना सकते हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर ऑटोमेटिक हो रहा है, टोटल पेड भी ऑटोमेटिक आ रहा है, अनपेड अमाउंट भी और स्टेटस भी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है। ठीक है, तो आई होप, ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए एंड थैंक यू।